हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरविंदर सिंह, योर IELTS ट्रेनर। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एंड आई बिलीव दैट यू ऑल आर फिट एज अ फिडल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द IELTS टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2021। सो जुलाई के महीने का पहला जो टेस्ट है IELTS का होने वाला है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आई विल गिव यू द प्रेडिक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन वीडियो एंड इट कैन गो रॉन्ग एंड इट कैन बी ट्रू, बिकॉज दिस प्रेडिक्शन वीडियो इज जस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस IELTS टेस्ट एंड द ट्रेंड विच इज़ करंटली गोइंग ऑन। सो बेस्ड ऑन दिस वी मेक प्रेडिक्शन वीडियोज एंड वी ट्राई टू ईज योर लाइफ अ बिट सो दैट यू कैन फिल यूर एग्जाम अकॉर्डिंगली एंड यू कैन फिल सम रिलीफ फ्रॉम योर IELTS बर्डन। सो दैट्स वाई वी मेक दिस वीडियोज and these can go wrong and possibly these are correct one. Fine, okay, so let's start with the listening. First of all, the part one of listening, we have one word questions. We just have to predict whether the one word questions will be easy one or the tough one. So according to me, this time it will be easy ones. आपको बहुत ईजीली ये सारे जो वर्ड्स हैं समझ आ जाएंगे, थोड़ा सा फोकस देना होगा और नथिंग एल्स। पार्ट टू की अगर बात करें तो MCQs एंड मैप आपको आ सकता है। इसका लेवल जो होगा मॉडरेट होगा। MCQs एंड जो मैप है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है एंड डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन मैप पर्टिकुलरली। MCQs की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो MCQs है वो मिक्स आएंगे, बड़े MCQs एंड वन वर्ड MCQs। पार्ट थ्री की बात करें तो 21st क्वेश्चन से 30th क्वेश्चन तक जो है टेबल आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी, टेबल आएगा, टेबल को आपको कंप्लीट करना होगा एंड उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें भी MCQs आ सकते हैं। इसका जो लेवल होगा वो होगा इजी टू मॉडरेट एंड पार्ट जो फोर्थ है उसका जो लेवल होगा वो होगा इजी। वन वर्ड आएगा, हो सकता है शायद टू और मोर वर्ड्स भी आ जाए। ओवरऑल लिसनिंग की बात करें इजी टू मॉडरेट रहने वाली है। इजी के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, पहले आपका IELTS का टेस्ट है GT वालों के साथ, तो लिसनिंग जो है इजी रहने के चांसेस ज़्यादा है, बट मॉडरेट लेवल तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप। इफ़ यू वांट टू बी अपडेटेड योर सेल्फ विद द कंटेंट ऑफ IELTS एंड व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन विद कैनेडियन इमिग्रेशन, वेदर इट इज़ ए स्टूडेंट वीज़ा और समथिंग एल्स, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी ज्वाइन। And obviously if you are new here then please press subscribe button and don't forget to hit the bell icon. You will be getting all the relevant material and good stuff about IELTS here. Reading की बात करें, section 1 जो है easy आने के chances है, section 2 है easy जो moderate होगा and section 3 है वो moderate level का आ सकता है। section 2 and 3 ये दोनों जो है interchange हो सकते हैं level इनके। ठीक है जी, true false not given आपको आएंगे ही आएंगे कम से कम दो parts में एंड एक आपको आएगा हेडिंग मैचिंग, जिसमें आपको डिफरेंट पैराग्राफ दिए होंगे, आपको उसके पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक हेडिंग चूज़ करनी होती है, वो आपको एक आएगा एटलीस्ट वन। एंड ये जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं या आपने जो कंप्लीट करने होते हैं वो आपको दो आने के चांसेस ज़्यादा है। रीडिंग का जो लेवल है वो मॉडरेट आने के चांस है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा मॉडरेट से कम होगा, इजी से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो आप बिल्कुल इजी नहीं समझ सकते हो, बट मॉडरेट लेवल का भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल का नहीं आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग टास्क टू। टाइप जो है हमारे क्वेश्चन के वो है एडवांटेजेस, आउटवेट, डिसएडवांटेजेस, अग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इन तीनों में से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्राइम वाले टॉपिक प्रिपेयर कर लेने चाहिए। मैं आपको बहुत जल्दी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें बताया भी करूँगा कि कौन से टॉपिक में, कौन से मेन टॉपिक्स में आपको ये जो है राइटिंग आ सकती है। टास्क वन की अगर हम बात करें तो मैप, टेबल, लाइन, बार, इन चारों में से एक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसका रीज़न ये है, टेबल मुझे लग रहा है इस बार आ सकता है, बट आपको ये चारों टाइप्स प्रिपेयर करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी टाइप्स जो है छोड़ दो। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस will be your test and that was all from my side. Thank you for watching. Goodbye.